हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का सेकंड प्रीव्यू ऑफ द डे टाइटंस वर्सेस द बॉल रॉक्स एंड ये मुकाबला होगा द सुपर स्पोर्ट पार्क इन सेंचुरियन जा अगर आपको याद है एक ही हफ्ते पहले बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटे थे कौन से रिकॉर्ड से वो आगे डिस्कस करेंगे विन प्रिडिक्शन इस मुकाबले के लिए टाइटन मेरे हिसाब से फेवरेट है इस मुकाबले को जीतने के लिए

टेलीग्राम एंड ट्विटर पे हमारे साथ जरूर जुड़ेगा जो भी फाइनल टीम्स अपडेट्स है आपको वहीं पे मिलेंगी एट द रेट फैंट क्रिक प्रो एंड रिमेम्बर टू कॉमेंट इफ यू लाइक द कॉन्टेंट एंड शेयर जरूर करेगा अपने दोस्तों के साथ एंड रिमेम्बर टू हिट द बेलाइकन क्योंकि आगे के जो भी सारे वीडियोज होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन के थ्रू ही आएंगे सो रिमेम्बर टू हिट द बेल आइकन अब चलते हैं आगे के प्रीव्यू की तरफ तो स्क्वाड न्यूज की बात करें तो जब तक हमने प्रीव्यू रिकॉर्ड किया था तब तक कोई स्क्वाड न्यूज नहीं आया था तो टाइटन्स के लिए तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि जैसे वर्ल्ड कप के प्लेयर्स हैं मोस्टली तो अवेलेबल नहीं होंगे जो आउट है साउथ अफ्रीका वो है कल सुबह का टू तो इंडिया तो मोस्टली तो ये सब प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे एंड वही हिसाब से हम अपनी लाइनअप फॉर्म करेंगे पाल एक गेम ऑलरेडी खेल चुकी है उसके अलावा वेदर रिपोर्ट सनी है सम क्लाउड्स बट एक पूरा गेम हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं यही है उम्मीद इस मुकाबले के लिए उसके अलावा पिच रिपोर्ट की बात करें जैसे मैंने कहा कुछ दिन पहले यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटे थे तो अगर आपको क्लास का वो नॉक याद है वो इसी ग्राउंड पे था जहाँ पे स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत छोटी थी स्ट्रेट बाउंड्रीज भी कुछ खास लंबी नहीं थी तो एकदम फ्लैट ट्रैक है फोर प्लस साउथ अफ्रीका ने स्कोर किया था थैंक्स टू क्लास एंड मिलर एंड याद रखिएगा कि जो साउथ अफ्रीका टी भी हुआ था यहाँ पे लास्ट ईयर जो बैटिंग फर्स्ट टीम थी फोर आउट ऑफ सिक्स टाइम टू हंड्रेड प्लस क्रॉस किया था उस टीम ने तो बहुत शॉर्ट बाउंड्रीज है एंड जो भी हमने देखा है ट्रैक पे बहुत ज्यादा फ्लैट बैटिंग ट्रैक है सो मे बी सम चेंज इन फैंटेसी टीम स्ट्रैटेजी अब चलते हैं हमारी आज की फैंटेसी टीम की तरफ सो वी स्टार्ट विद कीपिंग सेक्शन यहाँ पे आपके पास दो अच्छी है एक है क्लाइट फोर्टेन दूसरे है डोनोमैन फरेरा अब मैन फरेरा अगर अवेलेबल होंगे तो डेफिनेटली वो मेरे लिए प्रायोरिटी लाइन में पहले पिक होंगे याद रखिएगा कि ये ऑफ स्पिन भी डाल सकते हैं साथ साथ में कीपिंग भी करते हैं तो वन ऑफ द टू रोल्स अगर एक दूसरे कीपर खेल रहे हैं तो ये ऑफ स्पिन भी डाल सकते हैं वो केस में 14, एक ओपनिंग बैटर बैटर है वो भी एक अच्छी चॉइस है बिल्कुल आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं बैटिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ से आपको लोड करने पड़ेंगे काफी बैटर्स जिस टाइप का ट्रैक है यानिमन मलान एंड डीन एलगर दोनों ही बहुत अच्छे बैटर्स है यानिमन आई थिंक काफी खेल चुके हैं साउथ अफ्रीका के लिए भी तो वो लेवल का एक्सपीरियंस है इनके पास उसके अलावा अलावा कीगन पीटरसन वापस टेस्ट लेवल पे खेल चुके हैं साउथ अफ्रीका के लिए बट जिस टाइप का ट्रैक है डेविड ब्रूस ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी पिक है रिसेंटली बहुत सारी टी ट्वेंटी लीग में भी खेला है इन्होंने तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इनके पास पीटर मलान भी एक अच्छी पिक है बिल्कुल आप इन्हें ट्राई कर सकते हो बैटिंग फर्स्ट करेंगे तो डेफिनेटली इन्हें भी पिक करना पड़ेगा ऑलराउंडर्स की बात करें तो यहाँ से अब सर्टेनिटी नहीं है हमारे पास कि किस कौन ऑलराउंडर्स अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है वही एक इशू है अभी के लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे विध फेरेस्को एडम स्पेशली अगर पहले बोलिंग करते हैं तो डेफिनेटली टीम में अपनी जगह बनाए रखेंगे कॉबिन बॉश अगर अवेलेबल रहते हैं तो बिल्कुल मेरे टीम में स्टार्ट करेंगे यहाँ पे उसके अलावा आपके पास कुछ ठीक ठाक चॉइस है यहाँ पे शॉन मॉनबर्ग सेकेंड बोलिंग में लेग स्पिनर है बिल्कुल ट्राई कर सकते हो सेम फॉर नील ब्रांड बट ये सारे ओवर्स जनरली नहीं करते हैं उसके अलावा डैन गैलियन अगर अपफ्रंट कोई भी हेल्प हुई तो इस टाइप के बोलर को मिलती है जो यहां पे हिस्टोरिकल डेटा है वैसे टाइप की की हेल्प इस इस ट्रैक पे होती नहीं है बोलर्स की बात नहीं, तो है बात करें तो विलियन सबसे एक्सपीरियंस जो सेक्शन में वो हार्डेस्ट विलियन ही है तो बिल्कुल इन्हें आप नहीं छोड़ सकते हो यहाँ से जूनियर डाला स्पेशली वाइल बोलिंग फर्स्ट है सामने वाली टीम की जो बैटिंग वाइल अच्छी है टाइटन जितनी अच्छी नहीं है तो इस बात का ध्यान रखिएगा इनका रोल इंपॉर्टेंट हो सकता है एरिन फंगीसो वापस साउथ अफ्रीकन इंटरनेशनल बहुत खेल चुके हैं सेकेंड बॉलिंग में डेफिनेटली मैं पिक करूंगा फर्स्ट बॉलिंग में विल टेक अ कॉल अगर कोई पिच इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है अब यहाँ से ऑलराउंडर्स पे यहाँ पे आप आइदर शॉन वॉनबोक को पिक कर सकते हो या आप जा सकते हो विद द एक्स्ट्रा बैटर इन पीटम मलान जिस टाइप का ट्रैक है एंड जो हमने देखा है अभी तक यहाँ पे क्रिकेट वही हिसाब से मैं जा रहा हूँ पीटम मलान क्रिश्चियन जॉन्ग का भी याद रखिए कुछ टी खेल चुके हैं साउथ अफ्रीका के लिए तो काफी अटैकिंग बैटर है खेलते हैं तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो अगर कॉबिन बॉश खेलते हैं ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी कर सकते हैं साथ साथ में इस लेवल पे आई थिंक दस ओवर भी डालने चाहिए ना तो कैप्टनसी मेरी एंड वाइस कैप्टन डेविल वापस खेलेंगे तो आई एम एक्सपेक्टिंग नॉट ओनली बैटिंग बट सम गुड ओवर्स फ्रॉम हिम तो वो हिसाब से आपको दोनों डिपार्टमेंट से वैल्यू दे के जा सकते हैं हेंस अभी के लिए ये लग रही है मेरी टीम इसके अलावा कुछ भी चेंजेस होंगे तो मैं आपको बताऊंगा ऑन टेलीग्राम अब चलते हैं आज के जीएल ऑप्शन और जीएल ऑप्शन के पहले रिमेंबर टू साइन अप ऑन द ऐप कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर्स हैं ओनली फॉर एफ सी पी यूजर्स साइन द डिस्क्रिप्शन रूपीज ट्वेंटी मिलेगा ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट एंड अगर आप एक ओल्ड यूजर हो एक चांस टू विन आई फोन डेली जो हाईस्ट डिपॉजिटर है उनको ये चांस मिलेगा एंड फाइव परसेंट रियल कैश गारंटीड ऑन योर डिपॉजिट सो इन्श्योर कि आप अपने डिपॉजिट अभी कर लें बिफोर द जी एस टी रेज्यूम ताकि आपको पूरा बेनिफिट वहाँ उठा पाओ आप देखते हैं आज के जीएल ऑप्शन आई थिंक स्टर्मन एन वाइल बोलिंग फर्स्ट आप इन्हें बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो बट टोटली ऑपोजिट हो जाते हैं second, वैसे इन्हें मैं नहीं प्रेफर करता एज ये ऐसे टाइप के बोलर है जो डेथ में ज्यादा विकेट्स लेते हैं Hence, मुझे लगता है कि इन पे आप रि रिस्क ले सकते हो स्पेशली अगर ये सेकंड बोलिंग करते हैं लो सिलेक्ट डाक एरिन फंगिसो एज अंडर प्रेशर बहुत सारे विकेट्स इन्हें मिल सकते हैं फेरिस्को एडम्स अगेन स्पेशली वाइल बोलिंग फर्स्ट एज अंडर प्रेशर इन डेथ इनका काम बन सकता है प्लस ये ऐसे टाइप के प्लेयर हैं कि बैट के साथ भी कुछ कंट्रीब्यूशन आपको करके दे सकते हैं ग्रैंडली कैप्टनसी वाइस चॉइसेस जूनियर डाला एंड को एडम्स बोलिंग, तो बोलिंग में आपको डेथ में इम्पैक्ट करके दे सकते हैं बोलिंग सेकेंड विच ऑल्सो मीनस बैटिंग फर्स्ट फॉर द बैटर्स ऑल बैटर्स इन द बेस्ट टीम तो हमने जो पांच बैटर्स सिलेक्ट किए इन द टीम सारे के सारे ऐसे ट्रैक पे एक सूटेबल चॉइस बन जाते हैं फॉर कैप्टन वाइस कैप्टन एज आपको पता है कि जो भी बैटर यहाँ पे सेट हो जाता है वो बहुत सारे रन बना सकता है हेंस दैट्स द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आप वो थॉट प्रोसेस से अग्रीमेंट में नहीं हो तो वो हिसाब से आप चेंज कर सकते हो सूटेबल इन बोथ जैसे मैंने ऑलरेडी पिक किया है बॉश को आई थिंक एक काफी स्टेबल प्लेयर है विद द बैट एंड विद द बॉल अपफ्रंट थोड़ी हेल्प भी होगी विद द बॉल तो ये उन्हें वो हेल्प मिलेगी तो आई थिंक वो हिसाब से कोबिन बॉश एक अच्छे पिक बन जाते हैं नॉट ओनली विद द बॉल बट ऑल्सो विद द बैट